वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कल मैं ब्लॉग नहीं बना सका, मेरे पास टाइम नहीं था। थोड़ा टाइम का फुकदान है जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं बना सका मैं कल। आज भी काफ़ी बिजी शेड्यूल है, लेकिन मैंने कहा कि आज थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आज ट्रेनिंग्स भी हैं, कुछ मीटिंग्स हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं बना सकूंगा। लेकिन ये है कि कुछ थोड़ा बहुत दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर ऑफिस। देखें आप, आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत सारे काम है करने के लिए। जो कि पहले गोरा जो होता था ना, यहाँ पे आता था, उसने फैक्ट्री चेक करी। पहले तो कारखाने होते थे यहाँ पर, उसने फैक्ट्री चेक करी कि यार काम तो हो रहा है, डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, मैं कैसे भेज पाऊँ। तो उसने एक सिस्टम बना दिया आईएसओ। आईएसओ बहुत सारे किस्म के होते हैं। आईएसओ हेल्थ एंड सेफ्टी का भी होता है, ISO सोशल का भी होता है, ISO आपका ये क्वालिटी का भी होता है। ये हमारा तो है 9001:2015 जो है वो क्वालिटी है। इसमें क्वालिटी स्टार्ट से लेके एंड तक की पूरी ट्रेसेबिलिटी आपको मिल जाएगी अगर आप डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम से चलते हैं। तो इससे गोरा आपको वेरीफाई भी कर सकता है और आपके अपने इंटरनल मसले भी इससे हल हो सकते हैं। कहाँ पे मसला आया, आपने रिस्क बनाया, आपने इंटरनल ऑडिट किया, तो वो आप मसला एंड में पकड़ सकते हो। शिपमेंट के बाद अगर प्रॉब्लम आई तो वो कौन से डॉक्यूमेंट कंट्रोल से आया, फॉरन वेरीफाई कर लो। ये बस ISO है, सिस्टम एक बेसिक छोटा और कुछ भी नहीं। सही है सर। भाई आप कुछ सवाल तो आप पूछ सकते हैं। इसकी एक चेकलिस्ट है सर, वो भी आपने शेयर कर लेंगे। और इसमें आप लोग जो है 75% मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। उसमें आप लोग काम कर रहे हो, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आप लोग नहीं कर रहे होंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट अगर हम कर लेंगे तो हम आ जाएंगे 100%। 100% तो कोई भी काम नहीं कर रहा है। सुबह जैसे उस दिन हमारे बाहर की वो कौन सा था, वो एक ट्रैक्टर का हमने फॉर्मल बनाया हुआ था, आप लोग उस पर आ गए। जिस चीज की जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती रहती है, हम ऐड करते रहते हैं, तो वो 100% पा लेंगे। इसका ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बस ये आपके हावनों के लिए रहा। चलते हैं भाई अब घर की तरफ, काफी देर हो गई। आज का बहुत बिजी शेड्यूल था और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ करने का। चलें अब घर चलते हैं, छुट्टी का टाइम है, घर चल के थोड़ा बच्चों से मिलते हैं। इस तरफ से नाजिल हुआ है। अम यकूलून अफ्तरा कुल फातू बिसूरतिन मिथली वदू। जी अब हम घर आ चुके हैं। हाशिर आप कहाँ जा रहे हैं? मम्मी के जा रहे हो आप? आप लोग भी मुझे छोड़ के जा रहे हो? यार ये तो गलत बात है ना, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो आप? तीन दिन के लिए? ये किसने बोला आपको? मम्मा। अगर छोड़ो मम्मा को। क्या करोगे आप मम्मी के? चीज रखी है मम्मा जी, पार्टी करेंगे रात को। पार्टी करोगे रात को? हाँ। ये करने जा रहे हो आप लोग? तो उस गाड़ी पर डाल दिया है फिर कपड़ा और अब हम जाएंगे इस गाड़ी में। मेरे भाई कभी वो तो कभी ये, वो एक्चुअली काफ़ी दिनों से स्टार्ट नहीं की थी, तो स्टार्ट नहीं करो तो उसकी बैटरी का प्रॉब्लम हो जाता है। आजकल सर्दियों का मौसम है, बैटरी ठंडी हो जाती है। 15 दिन से मैंने वो गाड़ी नहीं चलाई है, तो इसी गाड़ी में चलते हैं फिर फैमिली को छोड़ने के लिए। जल्दी से बुलाते हैं फिर इन सबको। बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं मैं अपनी तन्हाई के वास्ते, अब कुछ तो करूं। हाँ शेर, कहाँ जा रहे हैं? मेरी जगह पे बैठ गए। हमें क्या, आप तो मम्मा की जगह पे बैठ गए हो, अब क्या होगा? आप तो लड़की नहीं है, आप तो लड़का हो। ओहो, बाबा दादी रात को तबके से ले गए। क्या हो गया? दादा जान ने बिठा दिया आपको? दादी जान, चलो भाई दादा जान ने बिठाया ना मेरी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चलें जी अब आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ।
आज भी कुछ खास तो नहीं दिखाया आपको लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है कि मेरे रोज एक दो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आप लोग वॉच कर रहे हैं उसको, तो आपकी इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।